सब्सक्राइब के बगल वाली घंटी बजाओ, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। क्या आप किसी भी कार्य को करते समय एक ही थॉट्स पर कायम रह सकते हैं? चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन हमारा ध्यान एक तरफ रह सकता है? क्या ये संभव है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसान का मन कभी स्थिर नहीं रहता और इधर उधर भागता रहता है। इसीलिए गुरु लोग अपना ध्यान लगाने के लिए जंगल में या फिर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ शांति हो। तो क्या इस बात को गलत साबित किया जा सकता है? इस बात को संभव करने का रिकॉर्ड दादी जानकी के नाम पर दर्ज है। इनका जन्म 1960 में हैदराबाद पाकिस्तान में हुआ था, जो आज ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका के रूप में अपना योगदान दे रही है। आज के समय में इनकी आयु 102 ईयर्स है। ये रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर, जो कि सैन एंटोनियो टेक्सास में, वहाँ इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था 1978 में। गर्मियों के दिनों में जब दादी जानकी संयुक्त राष्ट्र का दौर कर रही थी, तब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। जिस मशीन से इनका एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस मशीन का नाम था EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। 1978 में जब टेक्सास यूनिवर्सिटी के मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दादी जानकी के दिमाग के तरंगों की पैटर्न को चेक किया, और जो रिजल्ट सामने आया वो बेहद चौंका देने वाला था। वैज्ञानिकों ने बताया कि दादी के दिमाग की तरंगे ठीक वैसे ही है जैसे एक आम इंसान के दिमाग की तरंगे गहरी नींद में होती है। इसके बारे में न्यूज़पेपर और इंटरनेट के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ चुका है, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में डेल्टा ब्रेन वेव्स कहा जाता है। डेल्टा ब्रेन वेव्स ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके थॉट्स या फिर कहे हार्ट बीट, जो कि अप डाउन होती रहती है। अगर कोई इंसान एक ही थॉट्स पर कायम रहता है तो डेल्टा वेव्स एक ही दिशा में जाने लगती है और स्थिर हो जाती है। ठीक वैसे ही दादी की ब्रेन वेव्स स्थिर हो गई थी। वैज्ञानिकों का कहना था, दादी के दिमाग की ऐसी तरंगे तभी पैदा हो सकती है जब गहन ध्यान और स्वप्नहीन नींद हो, लेकिन उन्होंने जागृत अवस्था में ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी और तब इनको दुनिया में सबसे स्थिर मन वाला इंसान माना गया। उनका कहना था कि वो 78 ईयर से मेडिटेशन करती आ रही है और ये सब उसी का परिणाम है। हालांकि कई लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन मैं इसका सबूत लेके आया हूँ। ये उस टाइम की टिकट है जब लंदन के रॉयल आल्बर्ट हॉल 5 अक्टूबर 1997 में 5000 लोगों के बीच, जब उरी गेलर और दादी जानकी के बीच इस बात को साबित करने के लिए जांच की गई थी। उरी गेलर इजराइल का एक फेमस भ्रमकार जादूगर है, जिसने अपनी मानसिक शक्ति से हजारों चम्मच को मोड़ दिया था और उसे पिघला भी सकता था। उरी गेलर और दादी जानकी के बीच हुई स्पर्धा में उरी गेलर ने माना कि दादी दुनिया में सबसे स्थिर मन वाली इंसान है, और उरी गेलर ने अपनी वेबसाइट पर भी इसको डाला था। इनके बारे में बहुत साल पहले BBC न्यूज चैनल पर इंटरव्यू आ चुका है, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। More than 70 years to traveling the world. Now in London, our correspondent Emily Buchanan has been to meet her. 5,000 centers around the world. This one in London runs courses in self-esteem and stress-free living. The head of the movement is Dadi Janki, a kind of spiritual firewoman with an ambitious agenda to quench the flames of personal and global, and an attitude of calm detachment from the material world. दुनिया से डिटैच रहो। If you want to have a wire that's linked together so that then the energy, the current of electricity can flow, you have to remove the insulation. You have to. Has it made it easier or more difficult the fact that your organization is run by women? पहले तो तब से लेकर आज तक और कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका है। मेडिकल साइंस आज ऐसी तरक्की कर रही है जिसकी मदद से भविष्य में हम ऐसी शक्तियों को दूसरे इंसान में भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे और हमारे मन को
हम कंट्रोल कर सकेंगे। आपको क्या लगता है, लाइक और कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइए। और मनोविज्ञान से जुड़ी हुई अद्भुत जानकारी, रहस्यमय मेडिकल के बारे में टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस की रहस्यमय बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय।